सभापति जी, आदरणीय सभी सम्माननीय वरिष्ठ सांसदगण, सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में, इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं, झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो, और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित। मैं आपके अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है, साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है।
आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया, वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की आप दिलासा रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही, वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही
नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है, तो मैं मानता हूं कि यह सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डिप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज, जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की, फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली, इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे, आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला, इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला।
इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं, वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े होदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई साल तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है, आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ा। हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है, संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में
संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकाले। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद दो सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए तो लोकतंत्र लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही है। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तरक्कों में ताकत रहती है, लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं, आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कहीं जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, ज्वाइंट और
निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो, राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकेंड चैम्बर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकेंड चैम्बर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मजा वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये सदन बहुत सुरली चलेगा, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्रायन। Just now I have informed the secretary. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest